अभी जाओ विनाश लोक और हर जगह चरण जकड़ यंत्र लगा दो। मुझे सच्चाई और अच्छाई की सेना का रहस्य पता चला है। मुझे मेरी जीत बहुत करीब नजर आ रही है। परियों, प्रतीक्षा की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। अब हम जैसे इस सेना संजीवनी किताब से मंत्र को पढ़ना शुरू करेंगे, सच्चाई और अच्छाई की ये सेना जीवित हो जाएगी और ये सेना एक पल में बुराई को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। सेना तो जरूर जीवित होगी रानी परी, लेकिन वो सच्चाई और अच्छाई का नहीं, बुराई का साथ देगी, मेरा साथ देगी। देखना रानी परी, तुम्हारी सदियों की मेहनत पर पानी फेर कर मैं कैसे इस सेना को अपने कब्जे में करती हूँ। पापचार्म विनाशाय विनाशचय चतुर्पृष्ठाम शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते शुभम सेना नायकम निद्रात वखंडनम अशुभात्म हनते शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते पापचर्म विनाशयम विनाशचय पृष्ठायम शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते मोंटू बॉस, जीके की बुक ले तो ली मैंने, पर अब करना क्या है? सर के पास जाने से पहले एक रिहर्सल कर लेते हैं। चल पूछ, मुझे कोई भी एक सवाल पूछ। हाँ। सूरज की किरणों से हमें क्या मिलता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी या डी नन ऑफ द अबव। सूरज से तो हमें सिर्फ धूप मिलती है और कुछ नहीं। डी नन ऑफ द अबव। अरे बॉस गलत जवाब। सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। ए विटामिन डी। हाँ उस सर ने मुझे थोड़ा हिला दिया था ना, इसके वजह से मेरी थोड़ी अकल वापस पेट में चली गई है। एक काम कर, तू पूछ दूसरा क्वेश्चन पूछ। हाँ हाँ। क्रिकेट में नो बॉल में कितने रन मिलते हैं? ए एक रन, बी चार रन, सी छह रन या डी नन ऑफ द अबव। सी छह रन। अरे मोंटू बॉस फिर से गलत जवाब। क्रिकेट में नो बॉल में एक ही रन मिलता है, इतना तो मुझे भी पता है। अब आप मान लो कि मानव मैन ने आपको उल्लू बनाया है। तो सही कह रहा रोहित, उन दोनों विद्यों ने मुझे फिर से उल्लू बनाया। अब देखना मार मार के खिचड़ी बना दूंगा, पीस पीस के आटा बुन दूंगा, अरे कूट कूट के चटनी बना दूंगा। अरे बॉस एक मिनट, उनकी रसोई बाद में बनाना, पहले आप सर का सोचो। आपने तो चैलेंज लगा दिया है, अब आप 100% हारोगे और आपको फिर पूरे एक वीक तक हाथों पे चलना पड़ेगा। हाथों पे? हाँ। शुभम सेना नायकम निद्रात वखंडनम पापचार्म विनाशायम विनाशचय चतुर्पृष्ठाम शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते शुभम सेना जागते।
चलने लगी? ये सब हो क्या रहा है? ये जरूर किसी बुरी शक्ति ने किया है ताकि रानी परी सच्चाई और अच्छाई की सेना को जीवित ना कर पाए। लेकिन यहाँ तो कोई भी बुरी शक्ति नहीं है। ये सब तुमने किया महाविनाशिनी? मेरे सिवा कौन हो सकता है बालवीर? महाविनाशिनी का दूसरा नाम है बुराई। तो फिर महाविनाशिनी के होते हुए अच्छाई कैसे सांस लेगी? आइडिया, मैं ये चैलेंज जीतूंगा, जीतूंगा मैं ये चैलेंज। अरे कैसे, आपको तो कुछ नहीं आता। चीटिंग तो आती है ना, और हम चीटिंग पहले भी करते थे। अब मेरी बात तो ध्यान से सुनो। लाइब्रेरी में से ऐसी जीके की सेम टू सेम टेक्स्ट बुक लेके आ, और फिर वो टेक्स्ट बुक हम सर को देंगे और ये बुक हमारे पास रखेंगे, और सर जब मुझे उस बुक में से क्वेश्चन पूछेंगे तो तू मुझे इस बुक में से आंसर देगा। समझा? है ना सिंपल? अरे मोंटू बॉस, जब मैं ही आंसर्स दूंगा तो आप क्या करोगे? ब्रेक डांस? बेवकूफ कहीं का, तू मुझे इशारे से आंसर्स बताएगा। समझा? नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं। तो ठीक है, मैं समझाता हूँ। हाँ। चल एक क्वेश्चन पूछ। इंडिया का कैपिटल क्या है? अब ऑप्शंस दे। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली या डी नन ऑफ द अबव। अब आंसर बता। सी दिल्ली। समझा? हाँ समझ गया, मैंने सही आंसर दिया इसलिए आपने ताली बजाया है ना। थैंक यू। बेवकूफ, देख आंसर था सी इसलिए मैंने तीन तालियां मारी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। क्लास में जब टीचर मुझे सवाल पूछेंगे तो तू पीछे से इसका आंसर बोल देना, ओके? अगर देख ऑप्शन होगा ए तो एक ताली, अगर ऑप्शन होगा बी तो दो ताली, और ऑप्शन होगा सी तो तीन ताली, और अगर ऑप्शन होगा डी तो चार ताली। करेक्ट। समझ गया तू सब? हाँ बॉस, अब मैं समझ गया। पर बॉस एक रिहर्सल कर लेते, कहीं क्लास में गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। हाँ। चल पूछ क्वेश्चन। हाँ। अमेरिका का कैपिटल क्या है? ए दिल्ली, बी पेरिस, सी वॉशिंगटन या डी नन ऑफ द अबव। तू क्या देख रहा है? हाँ। ताली कौन बजाएगा? हाँ। सी वॉशिंगटन। रोहित, अब देखना ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा, और क्लास में सारे बच्चों से शीर्षासन भी कराऊंगा। मानव महर, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे वजह से बाकी बच्चों को पनिशमेंट मिली है तो उस गिल्ट की वजह से तुम कई रातों तक सो नहीं पाओगे। तुम सब यही जानना चाहते हो ना कि बुराई नाशक बाणों से मैं कैसे बची? तो खैर उसका उत्तर तो मैं तुम लोगों को नहीं दूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि विश्वास करने की बहुत अच्छी आदत है तुम लोगों की,
और विश्वासघात करने की बहुत बुरी आदत है मेरी। हमारी भी एक अच्छी आदत है महाविनाशिनी, बुराई पर वार करने की, और इसीलिए अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। बच्चे हो तुम बालवीर, बच्चे। तुम्हारे सामने इन चारों सेनापतियों को ले जाऊंगी, संजीवनी मंत्र पढ़कर इन सेनापतियों को जीवित करूंगी, फिर इनकी सारी सेना महाविनाशिनी की सेना बन जाएगी, बुराई की सेना। फिर एक ही पल में सच्चाई और अच्छाई का विनाश हो जाएगा। तो बच्चों, सब अपनी अपनी हिस्ट्री की किताबें निकालिए। मेहर, वो देख मोंटू जीके का बुक मिला है। इसका मतलब है कि मोंटू शर्त के बारे में बहुत ही सीरियस है। सर, इधर कम इन। मंटू, ये सब क्या है? सर, मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ। इस बुक में से मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मंटू, बेटा मेरी बात मान, तू शर्त हार जाएगा बेटा। मैं हार ही नहीं सकता सर, क्योंकि शीर्षासन करके मैं अक्लमंद बन गया हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं सवाल पूछता हूँ। जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो। एक मिनट सर, मुझे पूरे क्लास को हमारी शर्त के बारे में बताना है। सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने और सर ने एक शर्त लगाई है। जीके के टेस्ट में अगर मैंने एक भी गलत जवाब दिया तो मैं पूरा एक वीक शीर्षासन करूंगा। पर हाँ, अगर मैंने सारे जवाब सही दिए तो तुम लोग मतलब पूरा क्लास पूरा एक वीक शीर्षासन करेगा। अरे शांत हो जाओ बच्चे, शांत हो जाओ। अरे तुम लोग क्यों परेशान होते हो? तुम सब जानते हो कि मांटू कथा था, कथा है और कथा रहेगा, तो उसके सर जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। मंटू, तुम तैयार हो? हाँ सर, रोहित तैयार है। हाँ बस। तुम रोहित को क्यों पूछ रहे हो? वो थोड़ी ना टेस्ट देने वाला है। नहीं सर, वो क्या है ना कि रोहित मुझे आपके साथ गधा बोलता रहता है ना, इसीलिए मैंने उसे पूछा कि वो तैयार है क्या मेरी अक्लमंदी देखने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल मैं तुम्हें हिस्ट्री का पूछूंगा, और उसी से ही तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि शीर्षासन करने से अक्ल नहीं आती, पढ़ाई करने से आती है। एकदम आसान सवाल है मंटू, फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी दे सकता है, लेकिन आई एम श्योर कि तुम नहीं दे पाओगे। सर, आप सवाल तो पूछिए। अच्छा, तो मंटू बताओ कि अंग्रेजों से भारत को कौन से साल में आजादी मिली थी? तुम्हारे ऑप्शंस है ए 1960, बी 1947, सी 1935, या फिर डी नन ऑफ द अबव।
मोंटो का गधा होना साबित हो जाएगा और फिर वो हमें गधे की तरह किक भी मारेगा। क्या सोच में पड़ गए बेटा, जवाब दो। परियो, हमें महाविनाशनी को रोकना होगा, किसी भी हाल में वो सेनापतियों को ले जा ना पाए। जल्दी कीजिए परियो, आक्रमण। आप सेना संजीवनी मंत्र पढ़कर सेनापतियों को जीवित कीजिए, तब तक मैं महाविनाशनी को संभालता हूं। ठीक है बालवीर। शुभम सेना नायकम निद्रात वक्त खंडनम अशुभात्म हनिते शुभम सेना जागिते शुभम सेना जागिते शुभम सेना जागिते। कोशिश कर लो, लेकिन हम सबके यहाँ होते हुए तुम इन सेनापतियों को अपने साथ नहीं ले जा पाओगी। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अब देखते जाओ तुम्हारे इस मंत्र की किताब को कैसे मैं जलाकर भस्म करती हूँ। शुभम सेना नायकम निद्रात वखंडनम। दोस्तों खुश रहो। दोस्तों, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के मनीष यादव, सूरत गुजरात के शुभम नाम जोशी, नरोरा उत्तर प्रदेश के हर्ष सिंगल, ईटा उत्तर प्रदेश के आकाश शक्य, नवाड़ा बिहार के मौशाहिद मलिक, महेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ के मानसवी त्रिपाठी और दिल्ली के तन्नु शंखवर ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वह हमेशा पेड़ पौधे उगाते हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का खास पत्र। दोस्तों, यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है नई दिल्ली से यश भारद्वाज ने। दोस्तों, यश ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वह हमेशा जरूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं, उनमें कपड़ा, खाना और किताबें बांटते हैं और हमेशा अपने स्कूल में अपने दोस्तों को पढ़ाई में मदद भी करते हैं। बहुत अच्छे यश, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए। तो दोस्तों, अगर यश की ही तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद, तो हमें लिख कर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए subtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.